राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। मतगणना केंद्र पर पुलिस और सुरक्षा बल की पैनी नजर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार बोली, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा संसद सत्र। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी है संजय सिंह की मुश्किलें। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। आप सांसद पर पैसे के लेन देन का आरोप। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेशवासियों को सौगात। 50 बसों और 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान के चुनाव परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इन चंद घंटों ने पार्टियों की सांसें फुला रखी है और उससे ज्यादा मीडिया घरानों के एग्जिट पोल से कुछ पार्टियां खुश तो किसी पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो पूरे तरीके से सही तो नहीं होते, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में। इस बार के एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में तो क्लियर है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में कंफ्यूजन बना हुआ है। आखिर एग्जिट पोल राजस्थान के बारे में क्या कहते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में चुनाव परिणाम का जो अनुमान लगाया गया है उसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रही हैं, तो कुछ भाजपा को जिता रही हैं। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक्टिव नजर आ रही। इसी क्रम में राजे ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की, तो राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। वहीं भाजपा में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने दावा किया है कि भाजपा को 135 सीटें प्रदेश में मिलेंगी। अगर सीपी जोशी का यह दावा सही साबित होता है तो भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि भाजपा ने पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व या फिर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा है, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं को लेकर अब नेताओं के बयान भी सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा राज बदलने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस रिवाज बदलने की बात कह रही है। और एग्जिट पोल आने के बाद पार्टियों ने अपने नेताओं की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस को 2018 का डर सता रहा है, जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए थे। इसी क्रम में तमिलनाडु के मंत्री डी के शिव कुमार ने तो साफ लहजे में कहा है कि 5 राज्यों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाए, वे नेताओं को अच्छे से संभाल लेंगे। तो बीजेपी भी कहां पीछे है, बीजेपी ने भी कुछ इसी तरीके की तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो यहां पर निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से बगावत करके 32 और कांग्रेस से बगावत करके 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इन्हीं बागी उम्मीदवारों से दोनों प्रमुख दलों ने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गौरतलब है 2008 और 2018 के चुनाव में बागी विधायकों ने खेल को पलट कर रख दिया था। 2008 में कांग्रेस 96 सीटों पर अटक गई थी और सरकार बनाने के लिए 5 सीटें पीछे रह गई थी। तब बीएसपी के कुल 6 विधायक मंत्री पद का प्रस्ताव पाकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी प्रकार साल 1993 में जब बीजेपी की सुई 96 पर अटक गई थी, तब 4 निर्दलीय विधायकों को लेकर भाजपा ने सरकार बनाई थी। अब सबकी नजरें चुनाव के परिणाम पर टिकी है, उसी से साफ होगा आखिर कौन सी पार्टी विजयी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। तो कल है फैसले की घड़ी, यानी कि 4 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए हैं फैसले की घड़ी है। आखिरकार सत्ता में काबिज कौन होगा सिंहासन के हासिल और किसका होगा राजतिलक, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम लाइव से हमारे सहयोगी ब्रजेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से लगातार अब कुछ ही घंटे का समय बाकी है, यानी कि कल का समय बेहद महत्वपूर्ण, जो परीक्षाएं दी गई हैं उसके रिजल्ट आने का समय आ चुका है, धड़कनें तेज हैं, किस तरीके की रणनीति देखते हो और किस तरीके के चुनावी माहौल, और हालांकि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं तमाम राज्यों में।
जी चंद्रा, देखिए कि जैसे ही एग्जिट पोल आए, पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर एग्जिट पोल जो जारी हुए, उसमें पांचों राज्यों में जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन दो राज्यों में जो बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बहुमत न हासिल होकर वहीं पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों में धड़कने तेज है, दोनों ही दल आपस में परेशान है कि आखिर किसको सत्ता मिलेगी। इसको लेकर अब निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। निर्दलियों को लेकर बाड़ेबंदी की तैयारी हो गई है, प्लेन की तैयारी हो गई है। एक विशेष मतलब सूत्रों की बात करें तो सूत्रों हवाले से खबर मिली है कि राजस्थान के जो कुछ नेता हैं उन्होंने प्लेन ऑलरेडी बुक करा चुके हैं, चार्टर बुक हो चुके हैं, होटल्स की तैयारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही सियासी जो दंगल है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ब्रजेश, अगर बात कर ले एग्जिट पोल की, तो चूंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान की अगर साफ तौर पर बात कर ले तो राजस्थान में एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई देखी जा रही है। हालांकि सी वोटरों की बात कर ले तो सी वोटरों में अभी भी सीएम के तौर पर सीएम अशोक गहलोत ही पहली पसंद बने हुए हैं। देखिए, सी वोटर्स की जहां तक बात करें तो वो शुरुआत से जब चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले भी अशोक गहलोत अपने काम की बदौलत राजस्थान की जनता की बेहद पसंद है। लेकिन उसमें वसुंधरा राजे ने भी बढ़त हासिल की है, वसुंधरा राजे को भी चाहने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अगर दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, दावेदार कौन होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा एक भूमिका तो है, जैसे अशोक गहलोत पाँच सालों तक उन्होंने अपनी सत्ता संभाली है राजस्थान में, और वहीं उससे पहले मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे, तो कहीं ना कहीं दोनों दिग्गज है। और इससे अगर थोड़ी सी बात करें तो आज वसुंधरा राजे ने जिस तरह से देवदर्शन यात्रा करी है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि इससे पहले वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा करती रही हैं, लेकिन आज वाली जो देवदर्शन यात्रा है वो मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है। और जैसे जैसे उन्होंने देवदर्शन यात्रा की, आरएसएस के लोगों से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, संकेत मिल रहा है कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया जाएगा, या बीजेपी की तरफ से उनको कोई संकेत दिया गया है, या फिर आरएसएस की तरफ से कोई उनको संकेत दिया गया। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से उनसे कोई बात हुई हो, आरएसएस से या बीजेपी से कोई बात हुई है, क्योंकि आज जेपी नड्डा का बर्थडे भी था। का जिक्र किया, क्योंकि अगर राजस्थान के रिजल्ट की बात कर ले उससे पहले कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियों में और जो राजस्थान की सियासी हलचल है उसमें बाड़ेबंदी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि आपने बताया कि देवदर्शन करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर आई है, और ये तस्वीरें पहले भी देखी गई है जब कोई शुभ कार्य या फिर कोई बड़े काम में जब कदम रखते हुए वसुंधरा राजे नजर आती है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के दर्शन और ये पूजा पाठ करते हुए नजर आती है। हालांकि अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो तमाम प्रत्याशियों के साथ साथ सीएम गहलोत बागी और इसके साथ ही निर्दलीय विधायकों से और तमाम प्रत्याशियों से मिलते हुए भी नजर आ रही हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सीएम गहलोत हो या वसुंधरा राजे हो, दोनों ने बागियों के जो फोन कॉल्स हैं जिनसे उनसे मुलाकात की बात है, जैसे सीएम गहलोत ने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले से ही बागियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, उनको बुलाया है, बातचीत किया है, पूरी फीडबैक ली है उनमें, चाहे उनके जो भी करीबी हैं, चाहे सीएम गहलोत ने पायलट के भी करीबियों से मुलाकात की है, वसुंधरा राजे ने अपने जो बागी हैं उसमें जो शिव विधानसभा से भाटी हैं उनसे पहले बातचीत हुई है। उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो इन बागियों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप कह सकती हैं कि राजस्थान में अगर कहीं डमाडोल की स्थिति नजर आती है तो ये दोनों जो नेता हैं वो अपने मझधार को संभालने के लिए, बागियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो चाहते हैं कि चाहे भी कोई स्थिति है, जैसे कांग्रेस आपको रिवाज बदलने के लिए पूरी तैयार है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी राज बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इसके लिए चाहे जो भी परिस्थिति होगी दोनों तैयार हैं, दोनों तो आजमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने आज भी मुलाकात की है, कल भी मुलाकात की है, और वसुंधरा राजे आज देवदर्शन में रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए संकेत है, और दोनों पार्टी एक दूसरे पर जान लगा के रखे हैं कि राजस्थान की सत्ता हो या मध्य प्रदेश की सत्ता हो, बीजेपी जैसे सेमीफाइनल की तरह लड़ रही थी, बीजेपी चाहती नहीं है कि ये दोनों राज्य उनके हाथ से किसी भी तरफ फिसले। ठीक है ब्रजेश, ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज है कि अगर सत्ता में परिवर्तन होता है, जो पहले से रिवाज बनता आया है सत्ता परिवर्तन के, अगर किसी तरीके से राजस्थान में बदलाव देखने को मिलते हैं तो भाजपा की तरफ से पीएम फेस कौन होगा, क्योंकि अभी भी लगातार कई अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आया है, दिया कुमारी की बात कर ले तो उनको भी कहीं ना कहीं सीएम के रेस में देखा जा रहा है, और किस तरीके की आखिरकार स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें उसके बाद हम फिर राजस्थान पे आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने 15 साल सत्ता संभाली है, लेकिन उनके खिलाफ की जो लहर है उसके बावजूद भी वहाँ बीजेपी अगर जीतने की स्थिति में आती है तो एकमात्र नाम होगा पीएम मोदी। पीएम मोदी के प्रचार और जबरदस्त अभियान के बदौलत अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता से वापसी करती है तो कहीं ना कहीं इसमें पीएम मोदी का बड़ा योगदान है। तो अब ये सत्ता किसको दिया जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा। कहीं ना कहीं मामा को, जो शिवराज सिंह चौहान है जिनको मामा के नाम से जाना जाता है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन बढ़ी है, क्योंकि
कि उनको इस बार सत्ता से कहीं बाहर होने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई बड़े चेहरे हैं। अगर ब्राह्मण चेहरे के नाम पर बात करें तो अश्विनी वैष्णव जो है वो बड़ा नाम है, वहीं किरोड़ीलाल मीणा भी हैं। उसके बावजूद वसुंधरा राजे का प्रबल दावेदार है। वसुंधरा राजे ने देवदर्शन यात्रा से शुरुआत करके ये दर्शा दिया है कि सीएम पद वो किसी हालत में नहीं छोड़ेंगी, चाहे उसके लिए चाहे जो भी करना हो। इससे पहले उन्होंने अपने बागियों से मुलाकात की, बागियों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बहुमत जुटाने के लिए वसुंधरा के तरफ से पहला कदम बढ़ा दिया गया। तो बीजेपी पूरी तरह से सजग है और चैतन्य भी है कि बहुमत हासिल करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगी, चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो। सीएम पद की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सीएम पद पर अपना नाम आगे बढ़ा रही है। वो चाहे वो कोई भी कठिन कार्य हो, उन्होंने अपने तरफ से अपने पैर आगे बढ़ा दिए हैं कि चाहे वो सीएम पद किसी भी हालत में वो सीएम पद लेने के प्रयास में दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही अगर तमाम राज्यों की बात कर ले, मध्य प्रदेश का जिक्र आपने किया, चूंकि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आ रही है ब्रजेश, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले, 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, 2 चरणों में मतदान वहां पर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो चुनावी गणित वहां पर क्या कुछ बोलते हैं और किस तरीके की दोनों पार्टियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और किस तरीके के एग्जिट पोल बोलते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे थे रमन सिंह बीजेपी से, लेकिन उनकी शासन में उतने बेहतर काम नहीं हुए, इसके बदौलत कांग्रेस पार्टी ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बेहद बढ़त बना रखी है, बीजेपी के वहां अभी भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से वो 17 सीटों पर आई, पिछले बार हारी, उसके बाद रिवाइव करना कांग्रेस पार्टी देना नहीं चाहती थी, बीजेपी बुरी तरह से वहां परास्त हो रखी थी और रमन सिंह का नेतृत्व बुरी तरह से कमजोर रहा है। इस बार जमीनी स्तर पर बात करें तो रमन सिंह के पास वो लोग नहीं थे जो कि माहौल बना पाए जमीनी स्तर पर, और माहौल दिखा नहीं। हालांकि पीएम मोदी अमित शाह ने लगातार दौरा किया, लगातार उनकी चुनावी जनसभा की वजह से जो भी कुछ माहौल आज दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल में जो भी नजारे नजर आ रहे हैं, वो पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा है। और मैं पहले भी बोल रहा हूं कि सत्ता के सेमीफाइनल की तरह पीएम मोदी ने इसको लड़ा है। 5 राज्यों के परिणाम ही 24 के चुनाव को तय करेंगे, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल की अभी तक के नजारे बता रहे हैं, लेकिन आने वाला कल तय हो जाएगा कि किसका परिणाम क्या होगा। कि जब मतपेटिका खुलेगी, जब ईवीएम के परिणाम आने शुरू होंगे, जब रुझान आने तय हो जाएंगे, तो 12 बजे तक ये तय हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बन रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में, हालांकि मणिपुर के मिजोरम के रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, इससे पहले 3 राज्यों के रिजल्ट तो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तेलंगाना की थोड़ी सी बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत है। वहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार बीआरएस की सरकार को पटखनी दे रही है। लौटेंगे आपके पास, हमारे सहयोगी अमीषा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमीषा, जिस तरीके से एग्जिट पोल पर आप सबकी निगाहें टिकी हुई है, किस क्या कुछ एजेंडा रहेगा तमाम पार्टियों का और क्या कुछ एग्जिट पोल बोलते हैं? हालांकि 4 राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों के नतीजे कल आने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किस तरीके के देखते हैं एग्जिट पोल? देखिए चंदा, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो होते हैं वो बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ये ज़रूर बताता है कि कौन सी पार्टी प्लस में है और कौन सी पार्टी माइनस में है। और 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, जिनमें से कल जो है 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, उनमें से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो स्थिति जो तस्वीर कहीं बिल्कुल साफ है, वहाँ पर कांग्रेस को बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर ले तो उसके अंदर एग्जिट पोल में देखें तो भाजपा और कांग्रेस के दोनों के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और हालांकि कई कई एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिल रही है, तो किसी किसी पोल एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद से तमाम जो पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान भी देना अपने शुरू कर दिया। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आएगी, वही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कुछ इस तरीके का बयान दिया और कहा है कि 135 सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। और सुबह से हम देख रहे हैं जिस तरीके से वसुंधरा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करती है, उसके बाद वो मंदिर तमाम पार्टियां जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। लौटूंगी हमेशा आपके पास, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा जी भी ब्रजेश के साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एग्जिट पोल बोल रखे हैं, हालांकि तमाम राज्यों में बीजेपी को बढ़त दिखते हुए नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हालांकि मध्य प्रदेश को मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात कर ले, सर्वे की बात कर ले, तो 42% से ज्यादा अभी भी लोग कमलनाथ को ही पहली पसंद बता रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, अब की बार जो एग्जिट पोल आए चंदा, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अब की बार निर्दलियों का बोलबाला जबरदस्त रहा है, खासतौर पर जिन 2 हिंदीवासी राज्यों का जिक्र आपने किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों में तो वाकई में स्थिति साफ नहीं है। और ये पहली मरतबा ये मौका मैं देख पा रहा हूँ, वाकई में पैच
इस कदर उलझा हुआ है कि तमाम एग्जिट पोल बिल्कुल स्पष्टता से ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है या कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में की बात किया जाए तो 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, एक अच्छे आंकड़ों के साथ में 156 प्लस उनको दिया गया है 234 सीटों के अंतर से। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा ये चुनाव रहा है और जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने इस चुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ उठाए, तो तमाम लोग जो भी है एग्जिट पोल के जो विश्लेषक है जो राजनीतिक पंडित है, इन तमाम चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ये आंकड़े गले नहीं उतर पा रहे। निर्दलीय खास तौर पर सक्रिय दोनों ही राज्यों में रहे हैं। राजस्थान में तो स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बाड़ेबंदी की तैयारियां शुरू कर दी है। अभी अगर ज्यादा पुरानी बात नहीं हो तो मतदान के बाद में जिस तरीके से संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख घटक है और एक प्रकार से मात्र संस्था के तौर पर जाना जाता है, आरएसएस पूरा चुनाव जो है बैकडोर से लड़ता है, तो संघ की एक बैठक हुई है राजस्थान में। पोलिंग होने के बाद में तमाम जो प्रचारक हैं वो बैठे हैं और संभाग वाइज जिला वाइज एक आंकड़ा तय किया गया है और सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो तकरीबन संघ का जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है वो 105 से 110 सीटें आ रहा है। वही बीजेपी के जिलाध्यक्षों का जब आंकड़ा यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जब बैठक होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों का जो आंकड़ा है वो 135 से 140 आ रहा है। यानी कि संघ का काउंटिंग से पहले मीटिंग करना और दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं को एक्टिव होना, जिस तरीके से राजस्थान में खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाड़ेबंदी की जो तैयारियों का जो जायजा एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से तमाम जिलाध्यक्षों को यह बोल दिया गया है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है उनको कैप्चर रखे, अपने विश्वास में रखे ताकि वो बाहर ना जा पाए। बीजेपी का जिक्र करें तो अरुण सिंह और सीपी जोशी दोनों को जिम्मा सौंपा गया है। खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह खुद पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। वसुंधरा राजे को एक्टिव किया गया है और देखिएगा वसुंधरा राजे वो चेहरा है जिसको तमाम पूरे चुनाव से इस विधानसभा चुनाव से एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दूर रखा गया, लेकिन जब ऐसा लग रहा है कि शायद चुनावी नाव चुनावी वेतरणी पार भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे मैंडेट के साथ में नहीं हो सकती ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, तो वसुंधरा राजे को दोबारा से गेम में लाया गया है। और जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया देवदर्शन यात्राएं तमाम चीजें निर्दलीय विधायकों से बातचीत जो विधायक जीत सकते हैं उनसे बातचीत, यानी कि वसुंधरा राजे का आज भी वो कद है, आज भी वो हो रहा है ग्रामीण स्तर तक विधानसभा स्तर तक कौन विधायक निर्दलीय जीत करके आएगा, कौन जीत सकता है, समीकरण क्या कह रहा है और उनको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कैसे लाना है, ये वसुंधरा राजे को भी जिम्मा सौंपा गया है। और 3 दिन से जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है पिछले 5 साल की तुलना में तो अमूमन ये आंकड़ा या ये अंदाजा लगाया जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी एक जादुई आंकड़े से 2 या 3 सीटें या 4 सीटें पीछे हटती है तो वसुंधरा राजे के हाथ में पूरी कमान आ जाएगी और मेरे ख्याल से वो दूर नहीं होगा वो दिन जब वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है उनके पास जादुई आंकड़ा होता है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन 5 साल में जो एंटी इनकंबेंसी यहां का जो रिवाज रहा है राजस्थान का जो रिवाज रहा है अमूमन मुख्यमंत्री मतदान होने के साथ ही या तो उनके तेवर ढीले हो जाते हैं या राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी है। लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर जी भी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग जी, मतगणना आखिरकार कल होनी है 4 राज्यों में, हालांकि आप जमीनी तौर पर लगातार मौजूद रहे हैं, किस तरीके के वहां पर तैयारियां कर ली गई है मतगणना को लेकर, सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल चंदा, आपको बताएंगे अभी हम मतगणना जहां पर होगी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में वहां पर हम जाकर अभी आए हैं, वहां की सारी हम पूरा जायजा हम लेकर आए हैं और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि मतगणना केंद्रों पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। वहां पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग बूथ के हिसाब से कौन सा प्रत्याशी कहाँ से जाएगा, मीडिया कर्मी कहाँ से जाएंगे और क्या कुछ व्यवस्था वहां पर है, वहाँ तमाम पुख्ता बंदोबस्त वहां पर इंतजाम सारे कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान में अब किसकी सरकार आएगी इसका जो फैसला जो कल होना है उसके लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं तैयार है। आपको याद दिला दें हम 25 नवंबर की वो घटना जब हमने तमाम बूथों का भी हमने दौरा किया था तो वहां पर जो बीएलओ जो बूथों पर लगे थे उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने वोटों की गिनती उन्होंने माफ कीजिएगा जो मतदान की जो हम कह सकते हैं स्पीड है वो जानबूझकर धीरे की गई थी। ये बात इस समय बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे से ये बार बार ये आवाज उठाई जा रही है कि कल भी हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी जो मतगणना में लगे हुए हैं वो किसी प्रकार की गड़बड़ी बीजेपी खेमे की तरफ से आवाज आ रही है। इसके लिए भी बीजेपी ने तमाम मीटिंग करके अपने अपने जो भी हम कह सकते हैं जो मतगणना स्थल पर जो भी लोग वहां पर बीजेपी अपने लगाएगी उन तमाम लोगों को आज मीटिंग करके ये निर्देश दिए गए हैं किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी मतगणना के टाइम पर ना हो।
और अगर हम आपको बता दें कि काउंटिंग का अगर हम बता दें तो करीब निर्वाचन अधिकारी की आज एक प्रेस वार्ता हुई थी, उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं और उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी के हिसाब से मतगणना के लिए दोनों ही कॉलेजों में करीब 332 टेबल लगाई गई हैं और इनमें से 236 टेबल पर जो ईवीएम है ईवीएम होगी, जबकि 96 यानी कि 96 टेबल पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। जयपुर की 19 सीटों पर जो मतगणना है वो 18 से लेकर लगभग 23 राउंड में पूरी कर ली जाएगी और सबसे कम जो राउंड होंगे वो सिविल लाइन विधानसभा में होंगे। सिविल लाइन विधानसभा का भी संघर्ष अपने आप में काफी महत्वपूर्ण देखने लायक है। प्रताप सिंह खचेरेवास कांग्रेस से यहाँ से विधायक के तौर पे लड़े हैं, पत्रकार के रूप में गोपाल शर्मा यहाँ से लड़े हैं, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार यहाँ से अर्जुन गुप्ता के नाम से लड़ा था और सबसे बड़ी बात है कि मतदान से पहले भी हम कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी और खासतौर पर अगर हम नाम लेके भी बोले तो प्रताप सिंह खचेरेवास और गोपाल शर्मा के बीच में काफी तूतू-मैमे देखी गई थी। ऐसे में ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतगणना के समय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कितनी संख्या में रहेगी और आखिरकार मतगणना की प्रक्रिया जो है उसकी समय सीमा क्या तय की गई है, कब से शुरुआत की जाएगी? सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी जो कि करीब शाम को 5 या 6 बजे तक चलेगी और पहला जो रुझान है वो 9 बजे तक आ जाएगा और पहला रुझान आने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इतने दिनों से जो कयास जो लग रहे थे उन कयासों पे कहीं ना कहीं अब लगाम लगेगी और एक्चुअल जो संख्या है वो कल 9 बजे के रुझान आने से कहीं ना कहीं पता पड़ जाएगी और तमाम लोगों की नजरें बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टियों को इस पर लगी है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को जिसको भी अंदर जाने की अनुमति है मतगणना स्थल पर, किसी भी व्यक्ति को जो पासेस यहाँ पर बनाए गए हैं, जो मतगणना जो अधिकारी करेंगे उनके पासेस बनाए गए हैं, सुरक्षा अधिकारियों के पासेस बनाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ उमंग जी ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है ईवीएम को लेकर, चूंकि हर बार मतगणना के समय कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आती है, तो ईवीएम को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं? ईवीएम की अगर बात करें चंदा, तो अभी राजस्थान के विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में करें तो इस समय ईवीएम को लेके किसी भी प्रकार के सवाल उठते हुए से नजर नहीं आ रहे और इसका एक विशेष कारण कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए हैं उसको भी माना जा रहा है, क्योंकि ये एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही 50-50 दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक बार को भी अगर ये होता कि बीजेपी को एग्जिट पोल में बढ़त मिलती दिखाई देती तो शायद ईवीएम पर सवाल उठते, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ईवीएम के ऊपर इस समय किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहरहाल मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां राजस्थान की बात कर ले तो जमीनी तौर पर कर ली गई है, वहां पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, ईवीएम को लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। हमारे साथ अमीषा भी लगातार बनी हुई है। अमीषा, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ के चुनावी गणित की बात कर ले तो किस तरीके से वहां पर राजनीति समीकरण देखने को मिल रही है? हालांकि अगर बात कर ले भूपेश बघेल की, तो चूंकि जो सर्वे किया गया है, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रही है उसमें 40% से ज्यादा भूपेश बघेल को बढ़त मिल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह की बात कर ले तो उन्हें 32%, हालांकि 8% जो लोगों की पसंद है वो यहां पर टीएस सिंहदेव भी नजर आ रही है। बिल्कुल चंदा, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल तस्वीर साफ है, एग्जिट पोल में ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसका मतलब यही है कि वोटर्स ने कांग्रेस की जितनी भी गारंटियां थी, कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं एट द मोमेंट पे अगर हम कहें वो चलाई थी, चाहे वो टी एस सिंहदेव की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ले, तो वहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से फिर से भूपेश बघेल को ही सीएम बनाया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी दोनों के बीच में कांटे का टक्कर है और कहीं ना कहीं कहीं एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिल रही है तो किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही है और इसी के साथ दोनों पार्टियों ने बाड़ाबंदी भी शुरू कर दी है। देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है, इस तरीके से 2018 के अंदर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर गए थे, उसके बाद वो वापिस आते हैं और कहीं ना कहीं केंद्र को इसके अंदर दखल देना पड़ता है और फिर जाकर दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह हो पाती है। और मध्य प्रदेश का नजारा भी कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर भी पहले कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने विधायकों के साथ भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा की सरकार बनती है, तो इस डर को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। और सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि चार्टेड अकाउंट भी इसके लिए बुक किए गए हैं। और देखिए राजस्थान के अंदर जितने भी बागी विधायक हुए हैं, जितने भी कांग्रेस और भाजपा से बागी हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिल रही है तो विधायक या बागी या निर्दलीय विधायकों का इतना रोल नहीं दिखेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के पोल के आंकड़े तमाम कहीं ना कहीं कई चीजों को बयां करते हैं। हालांकि ब्रजेश के पास आना चाहेंगे, ब्रजेश तेलंगाना की अगर बात कर ले, तेलंगाना में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, 119 विधानसभा सीटों पर मतगणना हुई और अगर बात कर ले लोगों की वहां के सर्वे की,
तो जिस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, ज्यादातर रेवंत रेड्डी को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा अगर सीएम की बात कर ले चंद्रशेखर राव की, तो उनकी भी पसंद 35% से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन अभी भी 1% वहां पर 1 से 2% लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बेहद मजबूती से चुनाव लड़ी है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो अपेक्षाकृत काफ़ी बेहद लोकप्रिय है वहाँ पे। उन पे अगर जाना देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जाने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती है। असदुद्दीन ओवैसी की अगर थोड़ी सी बात करें तो वो हैदराबाद में जो 9 सीटें पर वो चुनाव लड़ रहे थे, और हैदराबाद से वो लड़ते हैं और हैदराबाद से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों की प्रभाव वाले क्षेत्र है वहाँ पर वो थोड़े बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हो या जो तत्कालीन सीएम है KCR, वो अभी खासे लोकप्रिय देखे जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह होगी कि जब अगर वहां पे KCR चुनाव हार जाते हैं, जैसे कि एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में उनको हारते हुए दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जब वहां बढ़त हासिल करेगी या कांग्रेस पार्टी की वहां जब सरकार बनेगी, तो हो सकता है कि रेवंत रेड्डी को बड़ा मौका मिल सकता है उसके जगह पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक ऐसे दल है जो कि चमत्कार करने में विश्वास रखते हैं। कई बार उन्होंने चमत्कार दिखाया भी है, जब कई बार ऐसे आदमी का नाम आता है जो कि सीएम पद का उम्मीदवार भी नहीं होता या कि फिर प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता है, उनको भी वो सीएम बना देते हैं। तो हो सकता है कि रेवंत रेड्डी हो या फिर KCR के नाम पे जो भी चर्चाएं चल रही हो, KCR की पार्टी से हो या बीजेपी वहां पर एक सीट हासिल की थी पिछले बार, लेकिन इस बार देखते हैं बीजेपी को खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाने की बात की जाए तो बीजेपी को क्या कुछ मिलता है वहां पर, यह भी बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा वहां पर पूरी गंभीरता से उठाया, जैसे टी राजा सिंह को उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया, टी राजा सिंह हथियार के रूप में वहां इस्तेमाल किए गए, टी राजा सिंह के जहरीले जो बोल थे वो कड़वे बोल थे, राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से गूंजता रहा है वहां पे, कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटीज पे चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी। आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहां अगर नतीजे आते हैं तो रेवंत रेड्डी के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर आप शपथ लेते देखेंगे, तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने बहुत कम समय में काफी मेहनत की है और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से दक्षिण भाषी राज्यों में, जिस तरह से कांग्रेस कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य में जिस तरह शिफ्ट होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोकल लीडरशिप की बड़ी भूमिका है। अगर बात कर ले मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी समीकरण कहते हैं, हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि कल हो सकता है कांग्रेस से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। ईवीएम या हर बार चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं होता है मतगणना के समय, हालांकि अगर बात कर ले जिस तरीके के जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उनके पिताजी से लेकर तमाम लोग उनमें कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी की सरकार बना दी थी, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को उसका थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए उनके क्षेत्र में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े नाम है और जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर उनका एक गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस पार्टी वहां के वो महाराज कहे जाते हैं और अंग्रेजों के समय से ही उनकी महाराज की पदवी रही है और आज भी वो महाराज वहां पर कहे जाते हैं और लोकप्रिय भी हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आसानी से पस्त कर देना कांग्रेस के हाथ में नहीं है। हालांकि जिस तरह से वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने जिस तरह से घेराबंदी की है, तो देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के जिस तरह से अपने पैतरे चले तो क्या वो उनके गढ़ में हरा पाते हैं नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से उनको हरा दे उनके ही गढ़ में, ये आसानी से नहीं दिखाई देती। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर गारंटियों की बात कर ले या फिर राजस्थान में गारंटियों की बात कर ले, तो कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में 5 गारंटियां की गई हैं जिसमें तमाम वादे किए गए हैं, और अगर राजस्थान की बात कर ले 7 गारंटियां हैं जिस तरीके से लगातार तमाम प्रचार प्रसार करते हुए भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद नजर आए हैं, तो क्या लगता है गारंटियों के तौर पर कहीं ना कहीं जनता क्या मौका देते हुए नजर आएगी? देखिए, जिस तरह से राजस्थान में रिवाज रहा है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से फाइट हुई है, बहुत क्लोज फाइट हुई है, तो कहीं ना कहीं गारंटियों की बदौलत, अशोक गहलोत की योजनाओं की बदौलत, उनके विकास की बदौलत, हो सकता है कि इस बार जो टफ फाइट देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज दी है, जो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने जमीनी स्तर पर किया, आप उसमें देखिएगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लुभाने के लिए जो वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया था वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रचार करने के तौर तरीके बदले, लोगों तक पहुंचने के तौर तरीके, तो हो सकता है कि अगर इस बार अगर कांग्रेस पार्टी टफ फाइट में जो नजर आ रही है, अब हम अपने राकेश जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस बार क्लोज फाइट नजर आ रही है, तो क्लोज फाइट का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि इस बार दोनों ही दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो बेहद सजग हैं और केंद्रीय आलाकमान भी दोनों ही दलों के सजग हैं, क्योंकि दोनों को ही भरोसा नहीं है कि सरकार किसकी आने वाली है, तो जब दोनों को भरोसा नहीं है कि सरकार किसकी आने वाली है, तो दोनों बेहद तौर पर राजस्थान पर नजर बना के रखे हैं, तमाम दोनों ही दलों के केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में है। अब आप बात करेंगे तो राजस्थान में वो अब जब
8 बजे जब मतपेटिका खुलेगी, ईवीएम जब खुलेगा, तो आप देखेंगे कि दोनों ही दल बेहद क्लोज फाइट के साथ एक दूसरे पर नजर बनाए हुए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बागियों की तय होगी। बागियों में अगर बीजेपी के बागी, कांग्रेस के बागी दोनों किसके साथ जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि बागियों ने ही इस बार भी किंग की भूमिका निभानी है, किंग मेकर बनना है उन्हीं को। क्योंकि इस बार भी देखने को मिल रहा है कि 100 के आंकड़ों के बीच में ही दोनों ही दल एग्जिट पोल में भी नजर आ रहे हैं, तो बागियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, एक बार अमीषा से भी जानना चाहेंगे। अमीषा, जिस तरीके से राजस्थान की बात कर ले, हालांकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, तो क्या लगता है इस बार जादूगर दोबारा से देखने को मिलेगा या फिर जादू उनका दोबारा से देखने को मिलेगा? जो तमाम गारंटियां यहां पर लाई गई हैं, चाहे वो फिर अन्नपूर्णा पैकेट योजना हो या फिर अगर बीजेपी की तरफ से 400 में गैस सिलेंडर की बात कर ले, तो किसका असर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए चंदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। जिस तरीके से 2018 के अंदर भी हमने देखा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब एग्जिट पोल पे चूंकि हम बात करें तो एग्जिट पोल में दोनों में ही कांटे की टक्कर दिख रही है। ये तो कल ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, जो एग्जिट पोल नज़ारे दिखा रहे हैं वो सही होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश और अमीषा आप दोनों का। लेकिन वाकई देखना है होगा कि किस तरीके से कल का समय होता है। हालांकि 6 बजे से 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, 4 राज्यों में मतगणना होनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और आखिरकार एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में लगातार तमाम राज्यों में बीजेपी को बढ़त होती हुई नजर आ रही है, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी नजारे सामने आ रहे कि दो दो राज्य कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 2 राज्यों में बीजेपी बढ़त कर रही है तो 2 राज्यों में कांग्रेस की बढ़त कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं अनुमान है, एग्जिट पोल पर अनुमान लगाए जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार सत्ता में काबिज कौन होगा तमाम राज्यों में, यह देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए अवधेश टीवी के साथ। नमस्कार।